महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निर्देश पर 3 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने नायब तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक राम किशन को सस्पेंड किया है। साथ ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक कार्यालय के विवेक धामाणी को निलंबित किया गया है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक पदेन उप कार्यालय हरसौली के राजवीर को भी कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित संपत्तियों के दस्तावेजों के अवैध पंजीयन के कारण यह कार्रवाई की गई है। इसे लेकर उप महानिरीक्षक अलवर प्रथम ने जांच की थी। इसमें पाया गया कि अलवर जिले के कई पंजीयन कार्यालयों द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित अचल संपत्तियों के बेचान से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन कर दिया गया। इनमें पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयतनामा आदि शामिल थे।